अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके सपनों की व्याख्या के फेवरेट चैनल ड्रीमलैंड से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है सपने में ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद का इकरार करना। अगर कोई भाई बहन सपने में देखे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक आपको हिदायत से नवाजेगा। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और आप सपने में देखते हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस्लाम कबूल करेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। अगर कोई मुसलमान सपने में देखे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है और सपना देखने वाला बीमार है तो इसका मतलब है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। अगर आप किसी दुख दर्द तकलीफ मुसीबत परेशानी परहेजगारी दुख या इसी तरीके से तंगदस्ती या आप बेरोजगारी में मुबतला हैं और आपको इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और सपने में आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप इन तमाम तकालीफ से मुक्ति पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।